हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस पोशाक के सेट का ये मुकुट बताऊंगी, या यो कहें टोपी बताऊंगी। ये मुकुट ही है एक तरह का। इसमें हम ऊपर से खुला रखे हैं और इधर से हम ये इसके द्वारा जो हम बनाए हैं, पूरा सेट बनाए हैं पोशाक का, इसी चीज़ से हम इसे बनाए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगा इसका, जो कि आप मोती जब लेने जाते हैं मार्केट में तो मोती के दुकान में ये आसानी से मिल जाता है। ये मीटर के हिसाब से मिलता है। इसका मार्केट में बना बनाया हार वगैरह माता पर चढ़ाने के लिए मिलता है। तो मैं ये, आप मोती के दुकान में अगर जाएंगे, मोती कोई भी सिंगार के दुकान में, तो आपको ये चीज़ आराम से मिल जाएगा, आप इसे ले आ सकती हैं। तो हम इसमें इस चीज़ का यूज करेंगे, और गोल्डन कलर का जो यहाँ पर हम दिए हुए हैं उसके लिए हम ये चीज़ कटिंग करके रखे हुए हैं। ये 3 है, इधर से 3 इंच है, इधर से 3 इंच है, ठीक है, और गोलाई किया हुआ है, आप देख सकती हैं। देखिए ये 1 2 3, ठीक है। और अगर हम इस तरह से लेते हैं तो इधर से भी यही चीज़ है, 1 2 3, 3 इंच का है जिसे हम गोलाई में रूप दे दिए हैं। उसमें हम ये चीज़ छोटा बनाए हैं और इसमें हम थोड़ा सा ये चीज़ बड़ा बना रहे हैं। उसमें हम मुकुट बनाए हैं, 4 नंबर के कान्हा जी का मुकुट है, मुकुट बनाए हैं। जब आप कान्हा जी को उनका बाल बहनाने के बाद ऊपर से ये चीज़ पहना सकती है, उस लायक इसे थोड़ा सा बड़ा बनाए हैं। और साथ में हमें किसी भी तरह का, जैसे हम यहाँ डाले हुए हैं, ये दिए हुए हैं, तो हमें इस तरह का कोई भी चीज़ जो आपके घर में हो आप यूज कर सकते हैं, या आप मार्केट से भी खरीद सकती हैं इस तरह का चीज़, या तो फिर आप इस तरह घर से बना, घर में भी आप बना करके इसे डाल सकती हैं मुकुट के रूप में, या आप किसी भी तरह का चीज़ यूज कर सकती हैं जो देखने में आकर्षक हो। तो हम ये तो बताए हैं। अब ये देखिए, ये 5 इंच इसका लंबाई है, ये लंबा है 5 इंच का, और ये चौड़ा है 1.25 इंच का। ये हम एक बुकरम काट कर रखे हुए हैं, अब हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें इसको चिपका देंगे, इस तरीके से। सबसे पहले हम नाप लेंगे, नाप कर इसके हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सबसे पहले इसे हम कटिंग करेंगे, ठीक है। इसे देखिए बिल्कुल इस तरह से कर लेने के बाद में हम यहाँ से हल्का सा हम इसे कोना निकालते हुए गोलाई का रूप देंगे इस तरह से, ताकि ये इस तरीके से बन जाए। इसके बाद फिर हम इसे हल्का सा यहाँ से काटते हुए हम पूरी लंबाई इसकी काटेंगे, बिल्कुल हल्का सा, देखिए, ठीक है। तो ये हम कटिंग कर लिए। अब ये कटिंग करने के बाद में ये कुछ इस तरह का हो गया। अब हम इसके बाद में इसमें कटिंग करेंगे इसे, और इसे हम चिपकाएंगे, यानी हम पेस्ट करेंगे। पहले हम इसे पेस्ट कर लेंगे, तब हम फिर इसका जो किनारी में इधर निकल जाता है हल्का फुल्का, ये गोलाई, अभी हम गोलाई का रूप दिए हैं तो इसका हम कटिंग बाद में करेंगे। हम इस जगह से बीचों बीच से इसे हम देखेंगे कितना है। यानी कि हमें यहाँ से कटिंग करना है, बिल्कुल इस जगह से। ये हो गया। अब हम जब पोशाक बना रहे थे तो हमारे पास कटिंग किया हुआ कुछ कुछ चीज़ बचा हुआ था, हम उसका यूज कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से बचा हुआ था, हम उसे यहाँ पर यूज कर लेंगे।
इसके ऊपर हम इस तरह रखते हुए इसे हम पेस्ट करेंगे। अभी चूँकि इतना हमें कटिंग बाकी है, या हम ले लेते हैं, इसे भी हम पेस्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब ये जो हमारा बचा हुआ है इधर, ये हम यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब हम इसे सूखने देंगे। जब ये हमारा सूख जाएगा तब हम उसे फिर कटिंग करेंगे। और अब देखिए, इसमें ये जो हम गोलाई का रूप दिए हुए थे, इसमें हम साइड में यानी चारों किनारे में हम इस तरह का हाफ मोती जो है ये हम इसमें पेस्ट करेंगे, ठीक है। आप इसे छोटा या बड़ा जो भी काटना है काट सकते हैं। हम इसमें ये कुछ हम बड़ा लिए हैं, देखिए हम इसमें इतना कुछ दूर हम यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। इस जगह पर हम कुछ दूर खाली छोड़ देंगे ताकि हमारा ये मुकुट बनने के बाद यहाँ चिपक सके। आप यहाँ कोई भी डाल सकती हैं, कोई भी जो आपको पसंद हो, या तो फिर आप ये चीज़ जो हम डाले हैं पोशाक बनाए हैं, इससे भी आप यहाँ पर आप गोलाई का रूप दे सकती हैं, या पूरे इसको भी आप काट कर गोल लगा सकती हैं। इस तरह से हम चारों किनारे इसे पेस्ट कर लेने के बाद में सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे हम हर ओर से जहाँ जहाँ ये ज़्यादा है, यानी देखिए इधर से दिखेगा साफ, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गया एक साइड का, अब यहाँ भी कर लेंगे। ये दूसरे साइड का भी हो गया। ये हो गया। अब हम इसे, ये नीचे का है, ये सिर के पास का पोर्शन है, ये ठीक है गुलाई। अब इसमें सबसे पहले या तो आप इस तरह का ये चीज़ आप पेस्ट कर लें, ये चीज़ यहाँ पर किनारी में, इसके बाद फिर इसे हम जोड़ेंगे। सबसे पहले हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए हमें यहाँ से हमें तिरछा करना है। यहाँ से इस तरह से लाते हुए हमें इसे बिठाना है, ठीक।
ये कुछ ज़्यादा गिर गया। इसे हम इस तरह से हटा लेंगे और इसे इसकी सिधाई में इस तरह लगा लेंगे। अब हम इस तरफ भी ये हो गया। ये हम इसी जगह इतना ही रखेंगे, हम पूरे में हमें नहीं लगाना है क्योंकि हमें एक दूसरे के ऊपर उसे चिपकाना है। हो गया इस तरह से। अब हम इसे सपोर्ट से, यानी देखिए इसमें हम बड़ा मोती भी डाले हुए हैं, लेकिन इसमें हम बड़ा मोती नहीं डालेंगे। आप चाहें तो बड़ा मोती भी डाल सकते हैं। ये देखिए तीन है, एक दो तीन, ठीक, एक यहाँ बीचों बीच और एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। हमें इसे इधर पूरे में नहीं डालना है, इस तरह से मिलाते हुए डाल लेंगे। बस इतना दूर हमें नहीं डालना है, ठीक है। अब हम इधर कंप्लीट करते हैं। अब हम इस साइड में डाल लेंगे, देखिए यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से। इसे भी हम यहीं तक डालेंगे क्योंकि हमें इसे फिर मोड़ना भी है, इसलिए हम पूरे में नहीं डालेंगे। बस इतना ही हमें डालना है क्योंकि ये मुकुट है बाल के ऊपर से डालने का और ये मुकुट है डायरेक्ट पहनाने का, चार नंबर के कान्हा जी का, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद में हम देखिए क्या करेंगे। हालांकि आप इसे पूरा अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए, सूख जाए अच्छी तरह से, तब आप इसे डालें आगे, तब आप इसे बनाएं। इस तरह से मोड़ते हुए हम इसे इतनी दूरी में चिपकाएंगे, देखिए कि तब मुकुट आ जाएगा। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए चिपका के छोड़ देंगे, किसी चीज़ से दाब दें, ठीक है। अब देखिए, अब
अगर आप चाहती हैं यहाँ किनारी देना तो आप दे सकते हैं इसके किनारे में भी, वरना आप ढंग से कटिंग कर दें इस तरह ताकि सफाई आ जाए। ये हमारा बीच का हो गया, ये बीच का हो गया, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पर इस तरह से डालेंगे, आप इसे डाल सकती हैं या तो फिर आप देखिए इस तरह के कपड़े देखिए बना हुआ ये चीज़ डाल सकती हैं। अगर ये चीज़ आप डालेंगी तो ये मोती यहाँ भी आपको हर एक तरफ से देना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले हम इसे अभी हम इसे चिपकने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये या साथ में आप चिपका लें, देखिए ये हम इसे इस तरह से चिपकाए हैं। अब आप यहाँ ये हमें इस तरह से चिपकाना है, ठीक है। तो हम इसे भी साथ में चिपका के, जैसे कि हम इसे ही पीछे में इस तरह से लगा लेंगे, एक साथ हमारा ये सूख जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए अब इसे यहाँ पर जो खाली स्थान हम छोड़े थे उस जगह पर हम इसे इस तरह से लाकर पेस्ट कर दिए। अब इसे हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। जब ये पूरा अच्छा तरह से सूख जाएगा तब हम इसमें और आगे का काम करेंगे। अगर आप चाहती हैं तो पहले यहाँ लगा सकती हैं कुछ भी, लेकिन हम पूरा सूखने देंगे, या आप बीच में भी लगा सकती हैं। देखिए आप अगर चाहती हैं तो इस तरह का फूल लगा सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहती हैं। आप पत्ता चाहती हैं पत्ता लगा दें, मोर का पंख लगा दें। मैं मोर का पंख का एक बता चुकी हूँ इसलिए मैं अभी मोर का पंख इसमें नहीं बता रही हूँ। या तो फिर इस तरह का आता है मार्केट में, ये चीज़ लगा दें आप, ये चीज़ भी लगाएंगी तो भी अच्छा लगेगा, जो आपको इसमें अच्छा लगता हो। सॉरी हम इसे उल्टा कर दिए हैं, ये उल्टा हो गया है। इसे इस तरफ से देखिए इस तरफ से हम चिपकाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हमारा नीचे की ओर आना चाहिए, सिर की तरफ। अब ठीक है, ठीक है, देखिए ठीक है। अब आप अगर चाहती हैं तो देखिए ये इस तरह से भी डाल सकती हैं, या आप ये चीज़ पूरा दिखे ये चाहती हैं तो फिर आप यहाँ हल्का फुल्का कुछ डाल दें, इस तरह का डाल दें, या तो फिर ये चीज़ डाल दें। अगर आप ये चीज़ डालेंगी तो भी अच्छा लगेगा। इसे थोड़ा सा तिरछा करते हुए इस तरह से डाल सकती हैं आप, और यहाँ पर एक मोती यानी कि ये चीज़ यहाँ पर आप चिपका दें इस जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मुकुट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।